Just sharing my slide to you people. What you have studied, there are differences you might be knowing, advantage, okay? And these are the things, right? Equations. Then balance system, I have told you, yes or no? They have equal magnitude and same equal magnitude and 120 degree, then those will be your balance system. So today I am going to draw a system that is for star connection. So star connection, I have told you, this is the connection, star connection. Sir, aapka screen share nahi hua hai. Screen share nahi hua. नहीं सर. ठीक है, देख लो हमने किया था, क्या हुआ, हमने सिलेक्शन नहीं किया था, इसलिए प्रॉब्लम. राइट, अब आ गया ना? यस, हेलो, यस सर, अब स्क्रीन शेयर हुआ है. कनेक्शन में बोले थे, न्यूट्रल पॉइंट, देर विल बी न्यूट्रल वाई फेज, दिस इज योर बी फेज, एंड देर इज ऑल द फेजेस आर वन एंड आर क्या पिच न्यूट्रल कितना होगा, देखो यहाँ पे लिखा है टेन टू थर्टी कितना हाँ 230 एंगल, देखो एंगल जीरो डिग्री. सिमिलरली इट इज एंगल जीरो. सिमिलरली वाई एन का क्या है, हाँ कितना 230 -120 degree. सिमिलरली YBB 230. ये कैसे होता है मैं तुम लोगों को बता दे रहा हूँ. देखो मैं यहाँ पे डायग्राम कर रहा हूँ, दिस इज माय डायग्राम, राइट, ओके. ये थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है. हाँ, ये हो गया क्या न्यूट्रल. तो दिस वोल्टेज, दिस आरएन का वोल्टेज है, ये हो गया वीआर, ये हो गया वीवाई, दिस इज योर वीबी, राइट. एंड द वोल्टेज विच विल बी कमिंग हियर, जो कौन सा वोल्टेज है, ये फेज वोल्टेज, हाँ दिस इज योर लाइन वोल्टेज, है कि नहीं. ये कितना रहेगा, ये रहेगा कितना बोले थे उस दिन, 440 एंगल इसका जीरो, ये भी 440 एंगल इसका -120, ये भी 440 इसका एंगल -240. क्लियर? सो दिस इज द थिंग, आई विल डिराइव ऑल दोस थिंग, डोंट वरी. सो आई एम गोइंग टू डू इट हियर, लुक एट इट. ये हो गया हमारा स्टार कनेक्शन सिस्टम. अब हम क्या करेंगे, विल बी गेटिंग ए रिलेशन बिटवीन, हियर दिखाई जाए, we are going to establish a relation between, what is that, voltage line and phase voltages and currents. Clear? Understood? So hum abhi kya karenge, star connected system ka jo line voltage hai, phase voltage hai, line current hai, inka beech mein kya karenge, ek relation establish karenge. Clear? What? Understood? So look at it, what I am doing here. So मैं एक लोड ले रहा हूं, मेरा लोड क्या है, आई हैव अ स्टार कनेक्टेड सिस्टम, बैलेंस सिस्टम, ओके. ऑलवेज वी आर गोइंग टू स्टडी ऑन व्हिच सिस्टम, कौन सा सिस्टम स्टडी कर, बैलेंस सिस्टम. अनबैलेंस सिस्टम को हम स्टडी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका डिफरेंट वोल्टेज होता है, डिफरेंट एंगल होता है, तो वो सिस्टम को हर वक्त प्रॉब्लम में डाल देते हैं. दैट्स व्हाई ऑलवेज वी विल ट्राई टू मेक आवर सिस्टम बैलेंस. Understood?
So here we have taken a balance system, and that way which connection? कौनसा connection? Star connection. हाँ star connection. And load मैंने क्या दिया है? कौनसा load दिया है यहाँ पे? कौनसा? Inductive. Inductive. तो inductive load में current क्या होगा? Lag होगा कि lead होगा voltage से? Lag. Lag होगा कितना lag होगा देखो यहाँ पे I have taken inductive load that's why the current is lagging the voltage by angle phi ठीक है okay understood clear अब देखो अब हम क्या करेंगे let us consider they have as they have a balance system उन लोगों का magnitude क्या होगा same होगा magnitude f voltage एजेंट करेंट सर सेम होगा कि नहीं yes, सर सेम होगा बैलेंस सिस्टम सेम हो तो यहां पे हमने ले लिया लेट टेक द फेज वोल्टेजेस फेज वोल्टेजेस मींस वोल्टेज बिटवीन होम एंड होम फेज वोल्टेज बिटवीन होम एंड होम सर वोल्टेज न्यूट्रल एंड लाइन दिस वोल्टेज न्यूट्रल एंड लाइन ओके सो दिस इज योर वीआर VY and VB हम इसको ले रहे हैं क्या B phase लेंगे क्या लिया हमने what I have taken because they have same magnitude that's why I have taken as a V phase okay clear next the current line current यहाँ पे line current जा रहा है IR यहाँ पे line current जा रहा है IY यहाँ पे line current जा रहा है क्या IB so all the line currents are same because they are balanced so हमने ले लिया IL ठीक है, then I have taken the line voltage कौन सा, line voltage means between whom and whom, between two line means this is the line voltage, ठीक है, तो voltage between V two lines, V and Y, then Y and B, then B and R, हमने उसको ले लिया VL then phase line phase current तो phase current हमने ले लिया वही IB IR IY and IB ठीक है as in a star connection system line देखो ये जो current और ये जो दोनों line current and phase current are same so I can write it IL is equal to I phase मतलब क्या बोलो मतलब ये जो phase में जो current जा रहा है लाइन में भी वही करंट जा रहा है तो इसीलिए वो दोनों करंट ऐसे करंट निकल के जा रहा है कि नहीं यहाँ पे तो दोनों करंट एक जगह एक लाइन में जा रहा है तो दिस लाइन एंड फेज आर सेम इन विच कनेक्शन इन स्टार कनेक्शन में लाइन करंट एंड फेज करंट्स आर सेम क्यों क्योंकि देखो करंट ऐसे जा रहा है लाइन में ऐसे जा रहा है फेज में तो सेम करंट इज गोइंग इन दैट सो दैट वी कैन से द लाइन करंट एंड फेज करंट्स आर क्या सेम अंडरस्टूड नाउ मैं एक डायग्राम कर रहा हम क्या करेंगे रिलेशन हमारा क्या है फेज एंड वोल्ट फेज करंट एंड लाइन फेज वोल्टेज एंड लाइन वोल्टेज आर सेम और डिफरेंट ये और ये देखो ये सेम है क्या डिफरेंट सेम है क्या डिफरेंट है हाँ वो कितना डिफरेंट है उन लोगों के बीच में क्या रिलेशन है वो हम अभी एस्टेब्लिश करेंगे ठीक है अंडरस्टूड देखो मैं यहाँ पे एक डायग्राम कर रहा हूँ मेरा ये डायग्राम में तुम लोग को समझा देता मगर हम एक फ्रेश डायग्राम करके उसको करेंगे देखो मैं यहाँ पे डायग्राम कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ 1 2 3 राइट ठीक है अंडरस्टूड दिस इज So this you take it is your VR ठीक है ये ले लो VY ये ले लो VB ठीक है understood and these are phase voltages so what I can write it here I have written no VR VY and VB are same so what I can write it इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं V phase इसको भी क्या लिख सकते हैं V phase इसको दिस इज ऑल्सो आई कैन राइट एज ए वी फेज यस और नो यस सर टेल मी यस नाउ आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द
वी एल ये वाला, तो ये जो देखो ये हो गया वी फेज, ये भी वी फेज, ठीक है ना। हाँ, अब मैं क्या निकल रहा हूं, ये वाला रेड वाला देख रहे हो ना, क्या निकाल रहा हूं, वी लाइन, वी लाइन। तो वी लाइन क्या है, मैं निकालूंगा वी आर वाई, ठीक है। तो वी आर इज ए वेक्टर, वी वाई इज ए वेक्टर, वी वी इज ए वेक्टर, सो आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ विच टू वेक्टर, कौन सा वाला, वी आर वाई। हाँ वी आर वाई, तो वी आर वाई वेक्टर मींस आई हैव टू गेट द रिजल्टेंट ऑफ वी आर एंड वी वाई, यस नो, यस, ठीक है कि नहीं। तो देखो मैं रेड में, तो ये रिजल्टेंट क्या होगा, वी आर क्या होगा, आर वाई। तो वी आर वाई को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, वी आर माइनस वी वाई, यस और नो, यस यस। देखो अभी हम, अब हम वेक्टर में निकालेंगे, मेरे पास ये क्या है, व्हाट इज दिस हियर, वी आर, यहाँ पे क्या है, क्या है, वी वाई, एंड इन दोनों एंगल कितना है, व्हाट इज द एंगल, 120, वेरी गुड, 120 डिग्री। अब मैं क्या करूंगा, देखो मैं ये वी वाई को नेगेटिवली ऐसे बढ़ा दे रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये वी वाई को मैं ऐसे नेगेटिवली बढ़ा दिया, क्या होगा, ये क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, अरे माइनस बी वाई, माइनस बी वाई, इसको हो गया माइनस, ठीक है, अंडरस्टूड। अब हम क्या करेंगे, वी आर एंड माइनस वी वाई का रिजल्टेंट निकालेंगे, यस और नो, यस और नो, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, बीच में क्या है, 60 डिग्री, वेरी गुड, ये एंगल है 60 डिग्री। अब हम रिजल्टेंट निकालेंगे, राइट, यस, तो ये क्या होगा, वी आर वाई, ठीक है। तो वी वाई वाई कैसे निकालते हो तुम लोग, कैसे निकालेंगे, टेल मी, हम ये निकाल रहे हैं, वी आर माइनस वी वाई, ऐसे ही, सर, वी आर स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर रूट ओवर, व्हिच लॉ, व्हिच लॉ, व्हिच लॉ, पिथागोरस, ये सर वेक्टर पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, नाउ वी आर अप्लाइंग पैरेललोग्राम लॉ, व्हिच लॉ, पैरेललोग्राम, ठीक है। तो पैरेललोग्राम लॉ अभी डालते हैं, बोलो मुझे वी आर स्क्वायर, ठीक है कि नहीं, हाँ, प्लस वी वाई स्क्वायर रूट ऑफ वी वाई स्क्वायर, हाँ, फिर बोलो प्लस टू बी आर, हाँ प्लस टू बी आर, मैग्नीट्यूड सबका ले रहे हैं, हाँ, ऑल आई एम टेकिंग मैग्नीट्यूड, ठीक है, वी आर वी वाई, वी वाई कॉस 60, देखो थोड़ा थोड़ा देखो, कॉस 60, यस, द एंगल बिटवीन हुम एंड हुम, इन दोनों का एंगल, राइट, तो कॉस क्या होगा, 60, ठीक है, अंडरस्टूड, एनी प्रॉब्लम। देखो ये ग्राउंड, ये हो गया तुम्हारा माइनस वी वाई, ये एंगल कितना है, ये एंगल है 60 डिग्री। अब हम इक्वेशन डालें, क्या डालें, वी आर स्क्वायर। अब वी आर को हम क्या लिख सकते हैं, ऑल आर सेम ना, वी फेज, इसको भी वी फेज, वी वाई भी लिख सकते हैं, नहीं वी वाई लिख सकते हैं, मगर हम सबको एक कॉमन दे दिए ना कि नहीं, तो हम डायरेक्टली वी फेज लिख सकते हैं कि नहीं, एनी प्रॉब्लम, टेल मी, नो सर, नो सर, तो हम इसको लिख सकते हैं वी फेज, इसको भी लिख सकते हैं वी फेज, इसको वी फेज, इसको वी फेज, अब ये क्या होगा सॉल्यूशन, और इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं वी, क्या लिखेंगे, वी एल, है कि नहीं, तो सॉल्यूशन निकालो, कौन निकालेगा, थ्री टाइम्स ऑफ वी फेज स्क्वायर, हाँ थ्री टाइम्स ऑफ
वी फेज का स्क्वायर रूट आवर, स्क्वायर रूट आवर राइट। यहाँ पे रूट आवर हमने छोड़ दिया है, बोलना चाहिए तुम लोग। तो अब यह क्या मिला हमको, क्या मिला है, रूट थ्री बी फेज। यस रूट थ्री बी फेज। तो रिलेशन क्या मिल गया हमको, V लाइन और V फेज का रिलेशन क्या है, V लाइन इज इक्वल टू रूट थ्री V फेज। V फेज अंडरस्टूड, कैसे निकला हमारा रिलेशन है कि नहीं हा? ऐसे तुम लोग जो भी निकाल सकते हो, मान लो मैं निकालूंगा इन दोनों में क्या, ये वाला क्या आएगा, वी वाई माइनस वी बी, दैट इज योर वी वाई वाई बी कि नहीं, वही देन मैं निकालूंगा वी बी आर, वही फार्मूला। तो सबका एक ही चीज आएगा, वी लाइन इज इक्वल टू रूट थ्री टाइम्स, रूट थ्री टाइम्स वी फेज। वी फेज कितना रहता है हमारा घर में, कितना रहता है, 230 रहता है। तो 230 को रूट थ्री मल्टीप्लाई करो तो कितना रहेगा, लाइन वोल्टेज मल्टीप्लाई करने से 399 400 आता है। देखो और आ गया 230 इंटू 1.732 ना, आ रहा कि नहीं, मैं सुनो। यस सर 398। हाँ 398। तो रिलेशन क्या है, हाँ हम जो बोलते हैं ना 440 बोलते हैं कि नहीं, हाँ थ्री फेज वोल्टेज। तो 440 आने के लिए हमको कितना वोल्टेज चाहिए, लाइन वोल्टेज कितना चाहिए, फेज वोल्टेज 440 बाई क्या होगा, रूट थ्री होगा कि नहीं। हाँ तो तब देखो का घर का वोल्टेज रहेगा 254। अंडरस्टूड, दिस मच वोल्टेज। अगर तुम्हारा घर में 254 वोल्टेज है तो इट इज तुम लोग का बल्ब सारा बहुत ब्राइट जलेगा। अंडरस्टूड व्हाट इज द रिलेशन। तो रिलेशन बिटवीन इन स्टार कनेक्शन, रिलेशन बिटवीन लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज इज क्या कहे भाई, रूट थ्री टाइम्स, रूट थ्री टाइम्स फेज वोल्टेज, क्या वी फेज वोल्टेज, एंड लाइन लाइन करंट इज इक्वल टू योर लाइन लाइन करंट इज इक्वल टू योर फेज करंट बाय रूट थ्री। हाँ फेज करंट, ये दोनों तुम लोग याद रखना है, किस चीज के लिए, किस चीज के लिए, स्टार कनेक्शन के लिए। इसीलिए हमारा घर में स्टार कनेक्शन है, हम न्यूट्रल से लेके आते हैं तो हमारा आरएन होता है। अगर न्यूट्रल में हमारा घर में 230 वोल्टेज है तो लाइन में कितना रहेगा, तुम लोग बता सकते हो, कैसे बता सकते हो, इनटू क्या करोगे, रूट थ्री करने से तुमको पता चलेगा इतना। तो देयर इज अ रिलेशन, यस द रिलेशन इज लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू रूट थ्री टाइम्स फेज वोल्टेज। कैसे रिलेशन लेके आए तुम लोग, क्या किए, कर पाओगे, यस नो, क्या लिखना है। देखो यहाँ पे सब फेज वोल्टेज को वी लिख देना है, वी फेज, लाइन वोल्टेज लाइन करंट को आई लाइन लिख देना है, लाइन वोल्टेज को वी लाइन लिख देना है, और हमने क्या किया, दोनों को यहाँ पे माइनस निकाला, क्या वी आर वाई, वी आर वाई इज इक्वल टू वी आर माइनस वी वाई, इसको हमने नेगेटिवली बढ़ा दिया, इसका एंगल हो गया 60, फिर हमने अपना जो पुराना पैरेललोग्राम डाल दिए, सो बाय पुटिंग द पैरेललोग्राम लॉ यू गॉट द रिलेशन दैट इज योर वी लाइन इज इक्वल टू रूट थ्री टाइम्स वी फेज। क्लियर, अंडरस्टूड, क्लियर, समझ में आ रहा है, यही है, देखो यहीं पे वही किया है, वी आर स्क्वायर वीवाई स्क्वायर 2 इंटू वी आर वी वाई कॉस 60, सो वी एल इज इक्वल टू वी फेज स्क्वायर, इसको सब किया तो रिलेशन हमारा मिल गया ये। अंडरस्टूड, कुछ नहीं है इसमें, वेरी इजी राइट। तो हमने यही, ये दोनों रिलेशन हमको मिला, कौन सा कनेक्शन में, विच कनेक्शन, स्टार कनेक्शन।
ठीक है, अब हम पावर निकालेंगे. यस, व्हाट यू मीन बाय पावर? पावर इज इक्वल टू क्या जानते हैं हम, वी इंटू आई इंटू कॉस फाई. ठीक है, तो हम पर फेज पावर निकालेंगे पर फेज का. ठीक है ना, पावर पर फेज वोल्टेज कितना हुआ, वी फेज इंटू क्या, आई फेज इंटू कॉस फाई. है कि नहीं? एक फेज का पावर कितना हुआ, एक फेज का पावर हुआ वी फेज आई फेज कॉस फाई. हमारे पास कितना फेज है, कितने टो है, तीन टो है. तो क्या करें, क्या करें, तीन टो है तो टोटल पावर क्या आएगा, क्या करें, तीन मल्टीप्लाई कर दे, है कि नहीं? यस सर. यस तो बोलो, यस बोलने से मैं करूंगा. तो हमने क्या किया, तीन मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे वी फेज, यहाँ पे हो गया आई फेज, और क्या लिखे, कॉस फाई लिख दिया. ठीक है कि नहीं? यस. अब हमने क्या किया, देखो ये जो थ्री है हम इसको ऐसे लिख दिए, ठीक है, लिख पाएंगे? यस और नो? VL, IL, क्या आएगा, cos phi, cos phi तो एक्टिव पावर है, sin phi, sin phi, sin phi. हम इन दिनों को मिला दे तो कौन सा पावर apparent. Yes, apparent power. क्या आएगा पी स्क्वायर, थ्री स्क्वायर करने से क्या है, रूट थ्री भी. वेरी गुड, रूट थ्री भी है ना. समझ रहे हो कैसे पावर निकाला, ठीक है ना. दीज आर द थ्री पावर्स इन विच सिस्टम, सिंगल फेज और थ्री फेज. थ्री फेज. तुम लोग एग्जाम में वो पूछेगा कि इतना एक्टिव पावर निकालो, रिएक्टिव पावर निकालो, थ्री फेज पावर निकालो, ये पूछेगा. किस सिस्टम में, डेल्टा द स्टार सिस्टम में. और तुम लोग को वो कि भाई फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन फेज वोल्टेज एंड लाइन वोल्टेज इन ए स्टार कनेक्टेड सिस्टम. तो क्या करना है, डायग्राम करके पैरेललोग्राम डालो, रिजल्टेंट निकाल के लिख दो, और सब पावर को मैंने जैसे यहाँ पे निकाला, यू कैन गेट द पावर. यस और नो? राइट, कर पाओगे? यस सर, कर पाओगे. ठीक है, नेक्स्ट. दिस इज योर, कौन सा सिस्टम हमने पढ़ा अभी, कौन सा पढ़ा, स्टार. नेक्स्ट सिस्टम हम क्या पढ़ेंगे, क्या करेंगे, नेक्स्ट सिस्टम कौन सा है, डेल्टा सिस्टम. तो दिस इज योर डेल्टा सिस्टम, राइट. तो ये रिलेशन हर वक्त याद रखना, इन ए स्टार कनेक्शन सिस्टम लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू रूट थ्री टाइम्स कौन सा, रूट थ्री टाइम्स फेज वोल्टेज. फेज वोल्टेज इसी के रिलेशन में ही हमारा घर में जो वोल्टेज आता है, ठीक है, ये रिलेशन को बेस करके ही वोल्टेज आता है. तुम लोग भी देख सकते हो कॉलेज में, हर जगह मीटर लगा है. तुम लोग को पैनल बॉक्स देख सकते हो कॉलेज में, जब तुम लोग चढ़ रहे हो ना सीढ़ी, प्रिंसिपल के ऑफिस के साइड में सीढ़ी एक है ना, कि नहीं है, कि नहीं. तो जो सीढ़ी चढ़ रहे हो वो सीढ़ी इस तरफ है सीढ़ी, तो यहाँ पे देखोगे बहुत सारा पैनल हम रखे हुए हैं, वो पैनल में मीटर लगा हुआ है. वो मीटर में तुम लोग को पता चल जाएगा कि उसको दबाओगे तो वो देखा जाएगा तुम लोग को लाइन वोल्टेज कितना है और फेज वोल्टेज कितना है भी दिखा देगा, ठीक है. वहां पे ऐसे वो कैलकुलेट करके वो रूट थ्री टाइम्स करके मल्टीप्लाई करके देखोगे
कि वो आ रहा है कि नहीं, वो जितना आ रहा है वहां पे दिखा रहा है कि नहीं, वो भी तुम लोग देख सकते हो। क्लियर, अंडरस्टूड? हाँ हाँ, तुम लोग मुझे मिलोगे तो मैं एक बार लैब में भी दिखा देंगे कि कैसे हम लोग उसको निकालते हैं। यस ओके, सो टुडे नेक्स्ट विल बी गोइंग फॉर, तो इसीलिए तुम लोग को नॉलेज होना चाहिए। अगर भाई मेरा सिंगल फेज में 230 आ रहा है तो थ्री फेज में कितना आएगा, तो कितना आएगा? ब्लाइंडली तुम लोग नहीं बोल सकते कि 440 कितना आ रहा है, थ्री फेज में कितना आ रहा है, तो 398.36। मगर हम जनरली रफली लिखते हैं हर जगह 440 का वोल्ट है कि नहीं, बट इट इज नॉट 440, इट इज योर 400 वोल्ट, राइट। एंड पावर कैसे निकालोगे मैं तो बता दिया तुम लोग को, है नहीं? बहुत इजी है। सिंगल फेज पावर को मल्टीप्लाई करो 3, और ये 3 को √3 √3 अलग लिखो, इसको तुम लोग VL लिख दो, ये IL लिख दो, cos phi हो गया तुम लोग का, आ गया पावर, ये हो गया पावर। यूनिट क्या है इसका? जूल। यूनिट किसका क्या है? तुम लोग वो मैकेनिकल पावर से अभी तक बाहर नहीं आए, प्लस टू खत्म हो गया, फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर हो गया बीटेक का, तुम लोग वहां से नहीं आए हो, क्या करेंगे तुम लोग को निकाल के कैसे लाएं? ये कौन सा पावर है, यूनिट क्या है, बताया था तुम लोग को? यूनिटलेस। वेरी गुड, क्या लिख रहा हूं मैं, देख रहे हो ना तुम लोग क्या लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, दिखाई दे रहा है ना? यू कैन क्या हम वाट का लेके आते हैं कि नहीं? यस सर। और वो यूनिटलेस है क्या सर? KVAR लिखा है। तो फैन कितना होता है? वो 70 किलो वाट का। ऐसे घर में बल्ब लेके आते हैं कितना वाट का? 40 वाट का कि 10 वाट का? आजकल LED आ गया है 5 वाट का। तो दीज आर विच पावर, विच पावर? एक्टिव पावर। एक्टिव पावर यूनिट क्या है एक्टिव पावर का? वाट। वाट और किलो वाट। किलो वाट। रिएक्टिव पावर का यूनिट क्या है? KVAR। अपरेंट पावर का? KVAR। अपरेंट पावर का? KVA means this is your V into I, V का यूनिट है किलोवोल्ट और I का यूनिट क्या है? KVA। ठीक है, अंडरस्टूड? तुम लोग घर में जाते हो शॉर्ट सर्किट होके सब भूल जाते, ठीक है ना? यस, शॉर्ट सर्किट होना से क्या होता है, तुम लोग का पेन ड्राइव को मैं शॉर्ट सर्किट कर दूंगा तो क्या होगा? कभी किए हो पेन ड्राइव को शॉर्ट सर्किट, क्या होगा? खराब हो जाएगा। खराब का मतलब क्या है? डाटा इरेज हो जाएगा। डाटा इरेज हो जाएगा ऐसे तुम लोग का? हाँ, मैग्नेटिक क्या, डाटा इरेज हो जाएगा मतलब क्या है? वो जो मैं तुम लोग को बताया था एक रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बताया थी कि नहीं? बताया था कि नहीं? वो अब जब हम शॉर्ट हो जाता है ना, वो मैग्नेटिज्म चला जाता है। तो मैं तुम लोग को बोला डाटा सब किस में स्टोर होता है, मैग्नेट में, यस और नो? तो अगर मैग्नेटिज्म चला जाएगा शॉर्ट सर्किट होके तो तुम लोग का डाटा क्या होगा, सब चला जा रहा है, ठीक है ना? इसीलिए क्या करते हैं वो लोग, क्या करते हैं, एनीवन, हमारा डाटा सब क्या करते हैं? अरे नहीं पता, यस और नो? कितने जन हो तुम लोग, सो गए हो क्या सुबह सुबह? नो सर। कैसे ले ले पाते हो, कैसे ले पाते हो? कहीं पर तो होगा ना, नम क्लाउड में है। क्लाउड का मतलब क्या, आकाश में ऐसा है बादल में? क्लाउड का मतलब क्या है, बादल। तो बारिश होगा तो डाटा चला जाएगा कि नहीं, होता ऐसा नहीं, बिकॉज दे आर कीपिंग ए बिग साइज, बहुत
हाई कैपेसिटी का उनके पास स्टोरेज डिवाइसेस है, और एक भी नहीं बैकअप रखते हैं, अगर मान लो कुछ प्रॉब्लम हो गया तो वो बैकअप से वो डाटा रिट्राइव कर सकते हैं, राइट। सो दैट इज द थिंग्स गोइंग ऑन। सो नाउ वी विल बी डूइंग, क्या करेंगे नेक्स्ट, क्या नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, कौन सा वाला? डेल्टा सर्किट। यस, डेल्टा सर्किट। तो डेल्टा सर्किट कैसा है, कैसे बताया था मैंने डेल्टा, एक मिनट, हाउ इट विल बी, कैसे बैक टू बैक है कि नहीं, यस और नो? यस यस सर। हाँ, बैक टू बैक, तीन को लेके आके हर जगह बैक टू बैक लगा दोगे, वो बन जाएगा तुम्हारा डेल्टा सिस्टम, राइट। और यहाँ पे निकालो, यहाँ पे निकालो, यहाँ पे निकालो। डेल्टा में क्या नहीं है? न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट नहीं है, तो न्यूट्रल पॉइंट नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, फेज वोल्टेज एंड लाइन वोल्टेज क्या होगा? तो वही हम एक बैलेंस डेल्टा सिस्टम लिए, ठीक है। और बैलेंस सिस्टम में हमारा क्या हो रहा है, लाइन वोल्टेज यहाँ पे। तो देखो, इन केस ऑफ डेल्टा सर्किट फेज वोल्टेज इज इक्वल टू क्या, लाइन वोल्टेज। क्यों? क्योंकि वहां पे न्यूट्रल नहीं है। बट लाइन करेंट इज नॉट इक्वल टू फेज करेंट, अंडरस्टूड? जो हमारा स्टार कनेक्शन में क्या था, उल्टा था कि नहीं? स्टार कनेक्शन में, स्टार कनेक्शन में क्या था, करंट, लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट था, एंड लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू रूट थ्री टाइम फेज वोल्टेज था कि नहीं इन स्टार कनेक्शन। बट डेल्टा में क्या है, डेल्टा में जो न्यूट्रल नहीं है इसी के लिए हमारा फेज वोल्टेज इज इक्वल टू योर क्या, लाइन वोल्टेज, लाइन वोल्टेज। बट लाइन करंट इज नॉट इक्वल टू फेज करंट, वो कितना है वो निकाल के लेके आएंगे, राइट। यस, तो हम वही फिर लिख देंगे, लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखो क्या लिखा है, लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू वी एल इज इक्वल टू वी आर वी वाई वी बी, एंड लाइन करेंट इज इक्वल टू आई आर आई एल आई बी, एंड फेज वोल्टेज इज इक्वल टू वी फेज वी आर वी वाई, ये है न्यूट्रल नहीं है तो फेज करेंट इज इक्वल टू ऐसा लिखा है। एंड इसमें क्या हमने रिलेशन मिला हमको, पहला लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू क्या मिला, वोल्टेज इज इक्वल टू फेज वोल्टेज, ये हमारे डेट। अब आ जाते हैं सर्किट में, देखो मैं यहाँ पे सर्किट एक दिखा रहा हूँ तुम लोग को, ये मेरा है सर्किट, कहाँ पे कर रहा था, ये वाला सर्किट है, थोड़ा ये बड़ा जगह है यहाँ पे कर लेते, राइट। ये हो गया मेरा एक सर्किट, इसलिए हर वक्त ये डायग्राम करना पड़ेगा, अगर डायग्राम तुम लोग कर लिए तो प्रॉब्लम इज वेरी इजी फॉर यू, अनलेस इट विल बी डिफिकल्ट। देखो हम यहाँ पे कर दे रहे हैं। यस, ये मेरा क्या है, ये मेरा है वी आर, ये हो गया वी वाई, दिस इज योर वी बी, एज देर इज नो न्यूट्रल सो आई कैन राइट इट, क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं वी आर इज इक्वल टू वी वाई इज इक्वल टू VB is equal to VL is equal to VP, लिख सकते हैं? Yes, I am writing that. Now I am writing, look at it, this current is your IR, this current is going here, is your IB, IY, and this current is your, क्या है? I? IB. अब देखो मैं तुम लोग को पूछ रहा हूं, यहां पे कितना करंट फ्लो होगा, कितना करंट फ्लो होगा, कितना करंट फ्लो होगा,
कहां से कहां करंट फ्लो हो रहा है? आई आर माइनस आई बी है कि नहीं, आई वाई है कि नहीं, देखो ऐसे ये होते इनके बीच में जा रहा है, यहां जा रहा है आई आर, यहां जा रहा है आई वाई, मगर इनका बीच में कितना जाएगा, क्या करेंगे हम आई आर माइनस आई वाई, एंड दिस इज नथिंग बट इज योर लाइन करेंट, एंड दैट इज योर नथिंग बट इज योर आई आर वाई. अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? दीज आर नोन एज योर फेज करेंट. ये वाला है फेज करेंट. अब हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, कैसे, वही हमने फॉर्मूला डाला था यहां पे, मैं कर रहा हूं, देखो क्या करेंगे मेरे पास, वन टू थ्री, ये क्या है मेरा फेज करेंट. फेज करेंट क्या है, ये आई आर, ये क्या है आई वाई, ये क्या है आई आई बी, बिकॉज फेज करेंट्स आर ऑल्सो 120 डिग्री अपार्ट, है कि नहीं, यस और नो? यस सर. मुझे अभी क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए, यहाँ पे देखो क्या चाहिए, आई आर माइनस आई वाई, आई वाई, आई वाई. तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, आई आर है, तो मैं क्या करूंगा, आई वाई को क्या करेंगे, कर दिए कि नहीं, वही जैसे हमने वोल्टेज को किया था, आई वाई आ गया कि नहीं, ये एंगल कितना है 60. अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, ये रिजल्टेंट क्या आएगा, व्हाट इज द रिजल्टेंट, आई आर आर वाई, कौन सा फॉर्मूला डालेंगे, कौन सा पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम वही पे डाला है कि नहीं, देखो आई आर माइनस ये, और ये सबको उन्हें फेज यहाँ पे उसको फेज कर दिया है, दिस इज योर फेज करेंट, दिस इज योर फेज करेंट, दिस इज योर फेज करेंट, हाँ फेज करेंट. तो रिलेशन क्या निकल के आ गया, वही व्हाट इज द रिलेशन, व्हाट इज द रिलेशन, सेम, हाँ आई लाइन इज इक्वल टू रूट थ्री आई I fetch. In which connection? Delta. Delta connection. V line is equal to? V line is equal to? V fetch. In which connection? This is for delta. Star में यहाँ पे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? Star में क्या लिखेंगे? V line is equal to? Root 3 times of V root 3 times of V page, and I line is equal to I page. I page. समझ रहे हो क्या हो रहा है? This is the two thing how you can derive in a star connection and delta. Power का भी निकालेंगे. Power क्या आएगा? Power क्या आएगा? Power का निकालोगे तो power is same whether it is delta connection or मैं निकाल देगा. सिंगल फेज पावर क्या है बोलो, वीआई कॉस बी फेज, वीआई कॉस फाई, बी फेज आई फेज इनटू कॉस फाई, है कि नहीं? हाँ, अब हम क्या करेंगे, तीन पावर को क्या करेंगे, थ्री मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं, तो थ्री रूट थ्री यहाँ पे कर दिए, यहाँ पे बी फेज कर दिए, यहाँ पे रूट थ्री क्या कर दिए, आई फेज कर दिए, और यहाँ पे कॉस फाई लिख दिए. Understood? हाँ, तो हमने क्या किया यहाँ पर, किस क्या डाल दिया हमने इसको, क्या डाला, IL. आई आई एल, और ये VL. और ये रूट थ्री. सो पावर इन स्टार कनेक्शन और इन डेल्टा कनेक्शन, थ्री फेज पावर इज व्हाट इज दैट, रूट थ्री वी एल आई एल कॉस, देखो है कि नहीं, हाँ
यस और नो, राइट, क्लियर? तो ये हो गया हमारा पावर. विच पावर? इन स्टार कनेक्शन, इन डेल्टा कनेक्शन, एंड दीज आर द पावर्स. में तुम लोग को ये ट्रायंगल करके बताया था, पावर ट्रायंगल, राइट? तो हम अभी क्या करेंगे, अब आप कंपेयर करेंगे. कंपैरिजन किस चीज का, किस चीज का कंपेयर करेंगे? स्टार डेल्टा, डेल्टा कनेक्शन. तुम लोग बताओ क्या क्या है. पहला चीज क्या है, फर्स्ट चीज स्टार कनेक्शन में. स्टार कनेक्शन में कैसे सिंबल देते हैं, ऐसे. डेल्टा को वाई, सम टाइम इट विल बी, सम टाइम इट विल बी टी, इट इज योर पाई, पाई, राइट, ऐसा, राइट. तो एंड फर्स्ट पॉइंट, लाइन करंट इज सेम एज फेज करंट, है कि नहीं? स्टार कनेक्शन में लाइन करंट इज सेम एज फेज करंट, बट इन डेल्टा लाइन करंट इज हाउ मच, रूट थ्री टाइम्स फेज करंट, फेज करंट, ठीक है. अब आ जाएंगे वोल्टेज को. डेल स्टार कनेक्शन में वोल्टेज क्या है, लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू रूट थ्री टाइम्स क्या, फेज वोल्टेज. डेल्टा में न्यूट्रल नहीं है, इसलिए क्या हो रहा है, लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू यो क्या हो रहा है, फेज वोल्टेज, फेज वोल्टेज. आ जाएंगे, अब आ जाएंगे टोटल पावर को. टोटल पावर क्या है, रूट थ्री वी एल आई एल कॉस फाई. यहां पर भी क्या है, वही है, वही है, वही है. और ये पर फेज पावर कितना है, वी फेज आई फेज कॉस फाई, ये भी वी फेज आई फेज कॉस फाई. और ये स्टार कनेक्शन में कितना वायर है, तीन वायर ले सकते हैं. अगर तुम लोग को न्यूट्रल में पावर निकालना है तो चार वायर भी ले सकते हो, है कि नहीं? हाँ, तो द स्टार कनेक्शन सिस्टम में भी थ्री वायर और में भी क्या, फोर वायर, फोर वायर. बट डेल्टा कनेक्शन सिस्टम थ्री वायर, ओनली थ्री वायर, ओनली ओनली थ्री वायर, ठीक है कि नहीं, ओनली थ्री वायर. और यहाँ पे देखना है ये जो लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज का अगर एंगल देखेंगे वो 30 डिग्री एंगल में आता, 30 डिग्री एंगल में लैग होता, ठीक है. दीज आर द ऑल द थिंग रिगार्डिंग दिस स्टार कनेक्शन. तो मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, बहुत सारा प्रॉब्लम भी है तुम लोग प्रॉब्लम, एंड व्हेन एवर यू विल बी कमिंग टू द क्लास, हम वो बीच में हम वो प्रॉब्लम करेंगे. मैं यहाँ पे देखा हूँ कहाँ पे है, कहाँ पे था उस दिन, कौन सा पेज नंबर कुछ था, 600 के नजदीक कुछ, हाँ अटेंडेंस डाल दो, जस्ट अ मिनट. वहां पे ये था थ्री फेज का, हाँ पोली फेज आ गया, देख रहे हो. ये सब प्रॉब्लम भरा पड़ा है वहां पे, पोली फेज सर्किट. मैं थोड़ा आगे जाके दिखा दे रहा हूँ, तुम लोग ट्राई करो, और मैं भी नेक्स्ट क्लास में तुम लोग का ये प्रॉब्लम हम ट्राई करेंगे, राइट. देखो स्टार कनेक्शन, ठीक है, हमने जैसे किया सबका, हाँ देख रहे हो, पावर, डेल्टा, स्टार, बैलेंस, ये प्रॉब्लम सब निकालो, प्रॉब्लम सब तुम लोग सॉल्व करो. अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे बता देना, राइट. सो वी आर गोइंग टू पुट द अटेंडेंस, सो जस्ट अ मिनट, आई एम गेटिंग द अटेंडेंस फॉर यू. टाइम 9 बजे से शुरू हो रहा है क्लास हमारा, और 10 बजे तक
एक मिनट, दिस इज योर टेन एंड योर हाउस इज योर दिस सब्जेक्ट. आई एम गोइंग टू टेक इट समथिंग. कुछ नहीं है, ले लेते हैं. ओके, टेल मी रोल नंबर. सुप्रभात मंडल. अमन उज्जवल. प्रेजेंट सर. हर्षन राजा. यस सर. अरुण. दीपक कुमार. छोड़ो. वन सर. टू थ्री. टू थ्री फोर सिक्स सेवन एट नाइन नाइन. आशीर्वाद.